बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे मोस्टली आपको जॉब्स और यूनिवर्सिटी की अपडेट मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है। बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किन के ज़्यादा चांसेस हैं और उन क्वेश्चन की जो है तैयारी कैसे करनी है। वो मोस्टली जो है स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं कि हम तैयारी कैसे करें। वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है जिनको जो है पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, हम साथ जॉब्स कर रहे हैं और साथ कहते हैं कि हमारी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग साथ साथ जॉब्स करते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं और पेपर भी देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे, ठीक है, तो आपकी तैयारी मैं कहता हूँ 70 से 80% जो है विद इन 2 और 3 आवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये हर प्रोग्राम की जो है असाइनमेंट लिखना देती है, ठीक है। पहले होती थी हैंड राइटिंग, अब आ गई हैं सॉफ्ट टॉप में, ठीक है, टाइप करनी है और सॉफ्ट में अपलोड करनी होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर जो असाइनमेंट में आप लोगों को मिला है, ठीक है, जो आप लोगों ने असाइनमेंट लिखनी थी वो डाउनलोड कर लेनी है। पहली बात तो ये है, आप लोग कहोगे कि सोचोगे कि वो डाउनलोड कैसे करना है, तो इसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने जो है देख लेना है कैसे डाउनलोड करना है अपने जो है पेपर, असाइनमेंट पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, ये जो है मेरे पास जो है अपनी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो है मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इसे प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बुक्स डाउनलोड कर लेनी है। बुक्स आजकल सॉफ्ट में आ रही हैं, हार्ड में नहीं आ रही। यहाँ पे इशू बन रहा है कि अभी सॉफ्ट में पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, सॉफ्ट में ना ही तैयारी होती है। तो दोस्तों, मेरी बात आप लोग गौर से सुने, ये जो सॉफ्ट में आप लोग बता रहा हूँ जस्ट डाउनलोड करनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा नहीं है। वो क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये अपने असाइनमेंट पेपर के जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो उठाना है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, बुक खोलनी है, ठीक है, उसी कोर्स कोड की, और वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, बुक के ऊपर देख के वही क्वेश्चन ढूंढकर उनकी जस्ट हैडिंग लिख लेनी है, ठीक है। 6 से 7 हैडिंग होती हैं हर क्वेश्चन की। आप लोगों ने क्या करना है, पेज के ऊपर अलहदा क्वेश्चन लिखना है ऊपर, और उससे उसके नीचे जस्ट हैडिंग लिख लेनी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। जस्ट हैडिंग लिखने के बाद इसी तरह पहला क्वेश्चन, दूसरा, चौथा और पांचवा, इसी तरह 5 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेने हैं, और उसके नीचे बुक से ढूंढकर उनकी जो है हैडिंग लिख देनी है। हैडिंग लिखने के बाद बुक्स बंद कर देनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, वो जो हैडिंग आप लोगों ने लिखी हुई है उस पेज के ऊपर, वो आप लोगों ने क्या करनी है, एक बार पढ़नी है और अपने माइंड में सोचना है कि इस हैडिंग के बारे में मैं क्या लिखूंगा। जो कुछ भी आप लोगों के जहन में आ रहा हो, ठीक है, एक बार सोच लेना है, और उसके बाद क्या करना है, गूगल ओपन करना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद वहां पे वो हैडिंग लिखनी है, हैडिंग लिखने के बाद सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने उसके मुताबिक सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही वहां से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों का माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप लोग देख लोगे कि आप लोगों के जो माइंड में था वो क्या सही था या गलत था, ठीक है। ये आप लोगों ने वहां एक बार अपने माइंड में सोचना है, और एक बार जो हैडिंग लिखी हुई आए सर्च में वो पढ़ लेनी है। बस आप लोगों की मैं कहता हूँ कि 100% तैयारी हो जाएगी। हाँ, एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग हल कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता, तो दोस्तों उसे खाली नहीं छोड़ना, लिखना जरूर है, कुछ ना कुछ उसमें लाजमी लिखना है। क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है, कुछ बहुत उसके ना मार्कर के साथ हेडिंग दे देनी है नीचे, और उसके अंदर जो कुछ आप लोगों को आता हो, चाहे एक क्वेश्चन आता है जो उसके मुताबिक है ही नहीं, वो भी आप लोगों ने लिख देना है। मैं कहता हूं कि आप लोगों के नंबर उसमें भी लगने के चांसेस ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, पेपर मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि पेपर में जो क्वेश्चन जो है खाली कोई नहीं छोड़ना, लिखना ज़रूर है, जितना हो सके उसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर आने वाली अपडेट जॉब यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों तक वक्त ब वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखना, आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफिज़।